इंडिया में कुछ ऐसे भिखारी हैं जिनकी कमाई जानकर आपको भीख मांगना सबसे अच्छा काम लगेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे अमीर भिखारी के बारे में बताएंगे। नंबर 9 पर हैं भरत जैन पाटीदार। अंग्रेजी बोलने वाले भरत जैन 59 साल के हैं। ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल में भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है ना होश उड़ा देने वाली बात। और तो और उनके पास खुद के 70-70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं और ये भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है जिसमें इनको 10,000 महीने का किराया मिलता है। भारत के परिवार में इनके पिता और बीवी बच्चे हैं और हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं। फिर भी ये परेल पर भीख मांगते देखे जाएं तो हैरान मत होइएगा। नंबर 8 पप्पू कुमार। ये जनाब पटना से आते हैं और इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर है, फिर भी लोगों से ये कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो, और अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। नंबर 7 मासू से। ये साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदल कर ऑटो से भीख मांगने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट भी है, साथ ही 30 लाख की अन्य संपत्ति के साथ लगभग 60 लाख तक की संपत्ति है। परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते हैं। नंबर 6 कृष्ण कुमार गीती। श्लोकपुरा में रहने वाले कृष्ण कुमार अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहते हैं। वो दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं और महीने में 10 से 15 हजार कमा लेते हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंक में लाखों रुपए जमा हैं। नंबर 5 सविता देवी। इनसे मिलिए। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सारिका देवी हैं। ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान करती हैं। बैंक से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी कर चुकी हैं और इनके पास खुद का घर भी है। दिलचस्प बात ये है कि ये 7 तीर्थ स्थलों पर भी घूम चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। नंबर 4 संभाजी काले। संभाजी भिखारी मुंबई के इस्लाम क्षेत्र विरार से आते हैं। इनकी रोजाना आमदनी करीब 1500 रुपए है। इसके अलावा इनके खुद के 2 घर और इतने ही फ्लैट हैं। और तो और इन्होंने बैंक में निवेश भी कर रखा है। नंबर 3 पर है हाजी। हाजी मुंबई से इनकी रोजाना की आमदनी 2000 रुपए है। त्योहार के वक्त इनकी आमदनी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है, साथ में लगभग 15 लाख के प्लॉट हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी भीख मांगना नहीं छोड़ते। हाजी कहते हैं कि एक ठीक ठाक आमदनी शुरू होने पर वो अकेले रहने लगेंगे। नंबर 2 रामबाई। खम्ब की रामबाई को हर कोई जानता है। ये खम्ब में बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया, पर जैसे इनकी संपत्ति की पोटली का खुलासा होगा हम जरूर होश उड़ाएंगे। नंबर 1 लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास को सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी 1964 में 16 साल की उम्र से भीख मांग रहे हैं। लक्ष्मी दास को पोलियो है और उन्हें भीख मांग मांग कर मोटा बैंक बैलेंस बना लिया है और हाल ही में उनको बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मिला है ना कमाल की बात। तो दोस्तों ये थे सबसे अमीर भिखारी जो भीख मांग कर आज लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं।